बासित साहब आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि जिस तरह से वॉर मॉन्गरिंग, जी हां, लड़ाई की गीदड़ भभकियां आपके देश के एक के बाद एक मंत्री, चाहे रेल मंत्री शेख रशीद हो, फवाद चौधरी हो, इमरान खान हो, ईंट का जवाब पत्थर देंगे। साहब, पत्थरबाजी तो कश्मीर में कराते रहे आप लोग। मेरा सवाल आपसे इतना ही है कि कश्मीर आंतरिक मामला है, बड़ा कदम हमने उठाया है, पूरे विश्व ने हमारा साथ दिया है, आप तो एक डिप्लोमैट है, आपको तो ये बारीकियां समझ में आती होंगी। देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो ये है कि जो जंग की बात शुरू की है वो तो आपके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने की है, जब उन्होंने ये कहा कि जो नो फर्स्ट यूज है हम उसको अपनी पॉलिसी को तब्दील करेंगे। दूसरी बात ये है कि या तो आप ये फैसला कर लें और एक ही दफा कह दें कि ये आपका जो है, आपने यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशंस हैं उसको आप नहीं मानते, यूएन चार्टर को आप नहीं मानते, यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को आप नहीं मानते, जो शिमला एग्रीमेंट हुआ है, लाहौर डिक्लेरेशन हुआ है, उसको आप नहीं मानते, तो फिर हम कह देंगे कि जी हाँ, ये आपका इंटरनल मैटर है। लेकिन आप तो यही कह रहे हैं कि ये बायलैटरल मैटर है और दुनिया भी यही कह रही है कि इसको आप पीसफुली हल करें, तो मुझे समझ नहीं आती कि भारत, ये जो आप लोग कह रहे हैं कि ये इंटरनल मैटर है और पाकिस्तान में कोई कंसर्न इससे नहीं है, तो आपने तो खुद कई बार ये कहा है कि ये बायलैटरल इशू है और इसको बायलैटरली हम हल करेंगे। तो आप काइंडली जरा क्लियर हो जाइए कि आप चाहते क्या हैं। अगर आप स्टेट टेररिज्म करेंगे जम्मू और कश्मीर में, तो यकीनन पाकिस्तान उससे ला ताल्लुक तो नहीं रह सकता, हम दूसरी तरफ तो नहीं देखेंगे। वहां अगर कश्मीरियों का कत्ल व गारत जारी रहेगा तो हम आवाज तो उठाएंगे और ये हमारा बुनियादी हक है, क्योंकि पाक कश्मीर डिस्प्यूट के तीन पार्टीज हैं, कश्मीरी हैं, एक भारत है और एक पाकिस्तान है। तो इसमें मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्यों इस किस्म की बातें की जा रही हैं। अगर आपने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप लिया है, जो कि आपकी ऑपोजिशन भी मानती है, अब आप सुप्रीम कोर्ट में वो केस लेकर जाएंगे, एक अनडेमोक्रेटिक स्टेप आपने लिया है, तो उस पर लोग शोर तो मचाएंगे, तो आपको अब उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अब्दुल बासित साहब, वैसे तो बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जिनसे मैं आपकी एक एक दलील को धराशायी कर सकती हूं, क्योंकि आप भी उसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान अनलीश कर रहा है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, इन्हें जवाब दीजिए, क्योंकि चाहे राजनाथ सिंह हो, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि फर्स्ट यूज पर अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर से सोचेंगे। इंतजार करता रहा पूरा पाकिस्तान और इमरान खान, प्रधानमंत्री ने एक बार जिक्र तक नहीं किया। ग्रेस नाम की कोई चीज होती है, इमरान खान रोज सुबह बैठ जाते हैं और कहते हैं एक बड़ी बात आपको पाकिस्तान वालों में बताने वाला हूं, कश्मीर में बहुत गलत किया इंडिया ने, हम पत्थर से अब जवाब देंगे, हम ईंट से जवाब देंगे, हम जंग छेड़ेंगे। ये तो इनकी नौबत है। कि अगर मिलिट्री मिस एडवेंचर हुआ भारत की तरफ से तो हम जवाब देंगे, हमने कभी नहीं कहा। ठीक है, सुधांशु जी जवाब दे दें, फिर बासित साहब आ रही हूं आपके पास। देखिए, बासित साहब खुद एक डिप्लोमेट रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो टेक्निकल न्यूएंसेस को बहुत अच्छी तरह समझते होंगे, पर पहले मैं उनकी इस बात का उत्तर देता हूं कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने जो कहा था वो इसलिए सोच के कहा था कि जब किसी भी रिस्पॉन्सिबल स्टेट के पास, जिसका पावर स्ट्रक्चर, कमांड स्ट्रक्चर डिफाइंड होता है, वहां पर न्यूक्लियर वेपन उनके पास हो, तो आप एक डिफाइंड स्ट्रक्चर से काम कर सकते हैं। पर क्या यह हकीकत नहीं है कि पाकिस्तान की आर्मी ने कारगिल में जाके ऑपरेशन कर दिया था और उस जमाने के प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं था? अब तो यह पब्लिक डोमेन का फैक्ट है। मुशर्रफ साहब जो प्रेसिडेंट रहे, उन्होंने अपनी किताब में क्या क्या लिखा है, जो एक्सेप्ट किया है इस बात को कि क्या कुछ होता था पाकिस्तान के अंदर वहां की आर्मी से, यह तो पूरी दुनिया को पता है कि आपके आर्मी कैंटोनमेंट के साये तले महफूज रहता हुआ ओसामा बिन लादेन दुनिया का सबसे मोस्ट वांटेड टेररिज्म था, और यह पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हमें तो पता ही नहीं था। तो साहब, जब इतना कमजोर स्ट्रक्चर, इतना अनडिफाइंड स्ट्रक्चर किसी कंट्री का हो, तो कल के दिन ये हमें पता चले कि ओसामा बिन लादेन टाइप के किसी आदमी ने आपका कंटोनमेंट कब्जा ही कर लिया है या न्यूक्लियर वॉरहेड्स खतरे में आ गए हैं, तो क्या हम इंतजार करते बैठे रहे? हमारी नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी में कोई चेंज नहीं है, मगर उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री ने कि भविष्य में क्या होगा, तो चूंकि पाकिस्तान के अंदर ऐसा फ्रेजाइल एटमॉस्फियर है कि कुछ भी संभव है, तो जब सिक्योरिटी की बात होती है तो हर पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखकर रखा जाता है। दूसरी बात, जंग की जब बात होती है जनाब, तो जंग तब होती है जब डिप्लोमेसी की टेबल पर कोई कंट्री हार गया हो। आज हकीकत यह है कि 370 के मामले के ऊपर
टेक्निकल इशू यह है कि 26 अक्टूबर 1947 को जिस दिन डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था उसमें कोई स्पेशल स्टेटस नहीं था, वो स्पेशल स्टेटस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया 1949 में, फर्दर एनहांस किया 1952 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको दिया, वो हमारा इंटरनल मामला है सही था गलत था 54 में, तो दैट वॉज प्रोविजन वॉज गिवन बाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट वॉज रिटन टेम्परेरी एंड ट्रांजियंट, यानी अस्थायी था, टेम्परेरी ट्रांजियंट वॉज विड्रॉन बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, सो नथिंग रिलेटेड टू पाकिस्तान, यस ऑफकोर्स देर इज ए बायलेटरल इशू, एक मामला है जो पाकिस्तान के साथ बायलेटरल है, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, क्योंकि हमारे कश्मीर का एक हिस्सा आपके पास है जमाने से, तो वो एक बायलेटरल इशू है। अब मैं कहना चाहता हूं कि जंग का जो मामला है, एक लाइन और कह दूं साहब, आप तो डिप्लोमैट रहे हैं, आप देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन ने आपका साथ दिया नहीं दिया, अगल बगल के जो मुस्लिम कंट्री है बर्राए सगीर की आप बात करते हैं, अफगानिस्तान बांग्लादेश किसके साथ, सार्क में तो वो रेजोल्यूशन पास कर चुके हैं क्योंकि दोनों आपके ही दहशतगर्दी से पीड़ित है। अब आप आइए यूनाइटेड अरब अमीरात, जो आपका सबसे खासम खास था, वो तो ऑर्डर ऑफ द जायद दे रहा है प्रधानमंत्री जी को, और चाइना ने एक रस्म अदायगी की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, अमेरिका आपका साथ दे नहीं रहा है, तो आपकी आज डिप्लोमेसी में तो वो हालत है वासित साहब कि इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा ना हुआ, तो जब डिप्लोमेसी की टेबल पे हार गए तब जंग की ये बात कह रहे हैं। और जंग की बात में भी मैं एक बात कहना चाहूंगा साहब, ये पहली बार थोड़ी है, 48 में कहा कबायली घुस के श्रीनगर कब्जा कर लेंगे, कर लिया क्या, फिर अयूब खान ने कहा 1965 में जनरल अयूब खान ने दिल्ली में चाय पियेंगे, क्या हुआ, जनरल यहिया खान ने जो 71 में किया तो आप ही क्या पढ़ाया जाता है यहिया खान ने बेवकूफी की, फिर बेनजीर भुट्टो ने कहा था हम 1000 साल हिंदुस्तान से लड़ेंगे, कश्मीर लेके रहेंगे चाहे घास की रोटी खानी पड़े, कश्मीर तो हमारा है, और अब सेंट्रल इशू बन गया, घास की रोटी खाने की हैसियत आपकी आ गई अगर चाइना और पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका पाकिस्तान को खैरात देना बंद कर दे, तो मेरे ख्याल से आप लोग जैसे समझदार आदमी को तो समझना चाहिए कि डिप्लोमेसी और इकोनॉमी की न्यूएंसेस क्या हैं आज इस जंग की गीदड़ भभकी के मामले में।